अरे कल्लू कालिया रुक जाए एक मिनट, अभी मैं इधर से निकलता हूँ। अबे रो फिर के बच्चे, तू बीच में कहाँ फंसा? ओ अच्छा अच्छा कल्लू कालिया, तू अभी मुझे जानते नहीं है। ओ भाई, अरे पकड़ो पकड़ो इस रो फिर को। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई रो फिरो वाइस टाउन। अच्छा तो गाइस, आज टिप्सन बॉस को जेल में से छूटे हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। हाँ गाइस, आप लोगों ने लास्ट वीडियो के एपिसोड में देखा ही होगा। नहीं नहीं देखा तो यार जाकर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइस टिप्सन बॉस को पुलिस ने पकड़ लिया था और टिप्सन बॉस को जैसे तैसे करके गाइस मैंने छुटा लिया है। तो अभी गाइस मैं फटाफट से टिप्सन, ओ भाई शिट यार, लेकिन मेरे पीछे इधर 2 स्टार पुलिस लग चुकी है। ये तो काफी देर से लगी हुई थी, लेकिन यार ये मेरे पीछे भी पड़ चुकी है। भाई मैं जल्दी से इधर अपनी इस कार को इधर ही रोकता हूँ, क्योंकि यार गाइस ये कार मैंने चुराई थी और पुलिस इसीलिए। बट एक सेकेंड गाइस, मैं इस कार को ना टिप्सन बॉस के, भाई यार लेकिन ये तो मेरे पीछे पड़ गई पुलिस यार। अभी तो मुझे जल्दी से टिप्सन बॉस के पास जाना होगा। और टिप्सन बॉस यार एक सेकेंड गाइस, ओ भाई नहीं गाइस, इन पुलिस ने, ओ भाई यार इन पुलिस ने तो मेरी धूल मचा दी। गाइस अभी तो मुझे टिप्सन बॉस ही बचाएंगे, क्योंकि यार गाइस टिप्सन बॉस ही मुझे पुलिस से बचाते हैं हर बारी। तो अभी मैं गाइस जल्दी से टिप्सन बॉस के पास चलता हूँ, और टिप्सन बॉस ने तो मुझे बताया भी नहीं आज क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे 2 स्टार पुलिस से बचना है, और मुझे टिप्सन बॉस ही बचा सकते है। अरे यार टिप्सन बॉस मेरे पीछे पूरी 2 स्टार भाई टिप्सन के पास आते ही 2 स्टार पुलिस गायब, और पता नहीं टिप्सन बॉस किससे बात कर रहा है। अरे अरे नहीं ग्रेनी नहीं, अभी तो कल परसों मैं जेल से आया हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे अरे टिप्सन बॉस क्या हुआ, और किसका फोन था? अबे यार भैया रो फिरो बस मैं क्या बताऊँ। अरे अरे टिप्सन बॉस क्या हुआ, तुमने मुझे 2 स्टार पुलिस से बचाया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अरे टिप्सन बॉस क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी से कुछ बताओ। अरे रो फिरो मेरे पास अभी ग्रेनी का फोन आया था, और ग्रेनी बोल रहे तुम वाइस टाउन में सारे भूतों को लाते हो, लेकिन अभी एक भूत छूट चुका है जो हमारे वाइस टाउन में अभी तक नहीं आया। रो फिरो उसका नाम है विलन, वो बहुत खतरनाक है। अरे टिप्सन बॉस वो विलन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। देखो टिप्सन बॉस मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो बच्चों को भी किडनैप करती है, वो मुझे भी किडनैप कर लेगी। अरे रो फिरो मैं तुझे इतना डरपोक नहीं समझता था, चल जल्दी से अपनी कार को मुड़ा, हम दोनों साथ चलते हैं और देखते वो विलन कितनी खतरनाक है। रो फिरो आज तुम उसकी पोटी निकाल देंगे। अरे हाँ टिप्सन बॉस जरूर, और वो तो देखते हैं बाद में पोटी किसकी निकलती है, विलन की टिप्सन की। तो यार गाइस आप लोग इस वीडियो एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टिप्सन बॉस जल्दी से फटाफट बैठो। ओ भाई गाइस ये टिप्सन तो खेल ही जा रहा है। अरे टिप्सन बॉस एक मिनट रुको, भाई जल्दी से कार में बैठो। अरे हाँ फिर जल्दी चल, और इस कार को आराम से चलाना है, क्योंकि फिर मुझे कार में बहुत डर लगता है भाई। अरे अरे टिप्सन बॉस तुम बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मैं कार बहुत खतरनाक चलाता हूँ, और मैं जरा सी भी कहीं नहीं ठोकूंगा। बस टिप्सन बॉस तुम मुझे सिविल नन के घर अकेले मत छोड़ के आना। फिर भी तू कार पे ध्यान दे, देख खंबा देख सुतरी के, तेरे पे कार चलानी नहीं आती। रो फिर कहीं ठोक मत दे भाई। अरे भाई नहीं, अरे भाई इंस्पेक्टर साहब ठुक गए। अरे भाई साहब यार ये क्या हुआ, ओ शिट यार गाइस अपने पीछे 1 स्टार पुलिस लग चुकी है। टिप्सन बॉस अभी हम इस स्टेशन से चलते हैं विलन के घर। और फाइनली गाइस अभी हम विलन के हॉरर स्कूल में आ चुके हैं, और टिप्सन बॉस देखो मुझे मत छोड़कर आ जाना अकेले को। रो फिरो वो तो सब ठीक है, लेकिन यार ये तो मुझे कुछ अलग ही खतरनाक घर लग रहा है। रो फिरो तो ग्रेनी से भी खतरनाक है, मैं तो ये कह रहा हूँ रो फिरो इधर से वापस चलते हैं यार। रो फिरो मुझे डर लग रहा है, देख रो फिरो। अरे अरे टिप्सन बॉस बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ओ भाई लेकिन यार भाई साहब टिप्सन, ओ भाई टिप्सन नहीं भाई, ओ तेरी की गाइस, भाई इसने मेरे सिर पे क्या मारा भाई इतना तकड़ा। ओ भाई शिट यार, ओ वेट यार इसने हमें एक घर में डाल दिया यार, इस घर में से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। इसमें क्या है, इस बुक में क्या है यार, इसमें तो मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, और इधर भी कुछ नहीं है यार। मैं हमें इसने कहाँ बंद कर दिया। ओ वेट यार इधर तो गेट खुल चुका है, बट इधर इविल नन गाइज मुझे पता है इस घर में, इधर मैं सब चेक कर लेता हूँ यार। ये पता नहीं ये इविल नन तो गाइज ग्रेनी से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे लग रहा है ये वाइस टाउन में, तो क्या ये हमें आज वाइस टाउन में नहीं जाने देंगी। हाँ गाइस क्योंकि यार दे, ओ वेट, ओ भाई रुक जरा। अरे भाई भागो इधर से यार, ये मेरे पीछे, वेट यार मैं इधर कहाँ फंस गया। ग्रैनी सॉरी इविल नन, ओ यार भाई मैं भी इधर से कहाँ निकलूँ। गाइस मैं तो इधर फंस चुका हूँ यार, इस सिविल से थोड़ी बात करके देखता हूँ आखिर ये अपने वाइस टाउन में क्यों नहीं जा सकती। बट मैं भी थोड़ा ऊपर चलता हूँ, और हाँ ये इविल नन ना गाइस ग्रेनी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस इसने ना काफी सारे बच्चों को इधर ट्रोल करके रखा है किडनैप। लेकिन अभी तो सबसे पहले मुझे इधर से निकलना है, और इधर क्या इलेक्ट्रिसिटी पैनल गाइस वो मुझे कहाँ मिलेगा यार। मैं अंदर चेक करता हूँ, भाई ये बड़ा ही खतरनाक घर यार इसका तो, यार इधर भी कुछ नहीं है। वेट यार इधर मैं सारे ड्रॉ में चेक कर लेता हूँ, इधर कुछ नहीं,
और इधर येलो की, वेट इधर, इधर भी कुछ नहीं। बट ओ गाइस, मुझे ना वो जो उधर लगता ना बाहर, वो मुझे इधर मिल चुका है। गाइस फटाफट से मैं इसको इधर लगाता हूँ, और एविल नन इधर तो नहीं है ऑलरेडी, इसको मैं इधर लगाता हूँ और अपनी वो की गाइस उस की को भी उठा लेता हूँ। और मुझे लग रहा है शायद वो एविल नन इधर आती होगी, क्योंकि इधर साउंड हो गया। तो मुझे एविल नन गाइस, मैं इधर से निकल जाता हूँ, इधर से वो आ ही नहीं सकती। ओ वेट यार, अभी मुझे लग रहा है वो एविल नन, एविल नन है तो नहीं इधर, एविल नन गाइस वो इधर है ही नहीं। मुझे लग रहा है वो पागल गई ना, पी के पड़ गई। मेरा मतलब कि ओ भाई, ओ भाई भाई यार भाई, मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं एविल नन, मैं तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, इधर छिप जाऊंगा। एविल नन के बच्चे मुझे कुछ कह के दिखा। ओ यार गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ यार ये तो इधर ही आ चुकी है भाई। भाई इस खतरनाक चुड़ैल का मुंह देख रहे हो यार, जैसे कि भाई साहब पता नहीं इसने कितने पान खा रखे हो, गुटखा खा रखा हो, सब कुछ इसने ही खा रखा हो यार। अभी तो जा चुकी है यार, अभी मेरी ये लोकी कहाँ पर थी? गाइस मैंने डर के मारे ना ये लोकी भी इधर ही ड्रॉप कर दी थी। बट अभी मैं इधर यार, लेकिन मैंने इधर सब चेक कर लिया ना यार, मुझे तो नहीं पता आखिर मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। गाइस मुझे तो नहीं लगता है अपने साथ वॉइस टाउन में जाएगी। बट यार गाइस इसने ना बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर रखा है, और इसके एक वैन भी है, और इसके एक गाइस टनल स्किप भी है, मतलब कि प्रॉपर ग्रेनी से भी ज़्यादा खतरनाक गेम है। और हम इसको पूरा स्किप करेंगे, तो एक सेकेंड, अभी तो ऑलरेडी पता नहीं कौन से रास्ते खुलेंगे, और इधर इधर भी पता नहीं क्या क्या होगा यार। मैं उधर तो नहीं जाता, मुझे लग रहा है वो एविल नन का एरिया है, और मुझे लग रहा है अभी इधर से निकलता हूँ यार। मुझे ना अभी तो फिलहाल इधर से स्किप होना है, इधर मैं इस येलो की को इधर ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मुझे काफ़ी सारी जगह चेक करनी है ताकि मैं यहाँ से स्किप हो पाऊँ। और वेट अभी तो सब ये तो बंद पड़े हैं यार, कोई सा खुला भी है क्या? ओह गाइस ये खुला है, बट यहाँ पर चाहिए क्रोबार, लेकिन इधर क्रोबार गाइस क्रोबार पता नहीं कहाँ पर होगा। इधर चलता हूँ, ये पार्किंग एरिया होगा। इधर क्या है भाई? इधर भी कुछ नहीं है यार, वो एविल नन ना आ जाए। गाइस अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इधर से स्किप होना है। और भाई वाओ गाइस क्रोबार भी हमें मिल चुका है, और सबसे पहले क्रोबार से ना गाइस वो मैं टॉयलेट का, सॉरी जो भी है ये एविल नन की इतनी सारी टॉयलेट है, तो मैं सबसे पहले ना इसके बोनेट खोलता हूँ। और फाइनली अपना एक सीक्रेट रास्ता हो चुका है, इस क्रोबार को इधर ड्रॉप करता हूँ, और मुझे पता है वो एविल नन मेरे पीछे पीछे भागती जरूर आएगी, और मैं इधर से निकल जाऊँगा। बट यार ये रास्ता ना कहीं एविल नन के मेन रूम में ना पहुँच जाए, वरना वो मुझे उधर ही मार डालेगी। वेट इधर चेक करता हूँ भाई, कुछ मुझे सामान नहीं मिल रहा, इतना बड़ा घर है गाइस। ओ भाई ये गुफा तो गाइस काफ़ी खतरनाक लग रही है, जल्दी से मैं इधर से निकलता हूँ और मुझे कोई अच्छी जगह पर चला जाऊँ। इधर क्या रखा है? होक गाइस ये कहाँ पर यूज़ होगा? फटाफट से एक मिनट, ऊपर भी रास्ता है, जल्दी से गाइस। अभी फाइनली अभी तो मैं इधर आ चुका हूँ, बट इधर तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार, मैं कहाँ जाऊँ अभी यार? अभी ना थोड़ी आगे चलता हूँ मैं। और भाई ओ यार ये एविल नन इधर आ गई भाई साहब, यार ये मुझे मारने डाले। ओ वेट, ओ भाई यार ये वैन, ओ एक मिनट गाइस कोई तो ढुका। गाइस वेट यार अभी मैं देखता हूँ आखिर। ओह भाई वाओ गाइस, एविल नन को तो इसने वैन ने चौपट कर दिया, मजा आया। लेकिन गाइस हमने अभी तक कुछ नहीं किया ना, तो गाइस हम यहाँ से स्किप हो पाए, और ना ही गाइस एक मिनट यार, यार ये वैन जा रही है, और एविल नन नहीं नहीं, अरे रुक जा अंधी वैन वाली, तूने मुझे कैसे मारा? रुक रुक रो फिरो के बच्चे। ओह गाइस यार मैं सोच रहा था एविल नन परमानेंटली मर चुकी है, लेकिन यार एक बार बच जाऊं। ओह भाई गाइस मुझे लग रहा है, ओह वेट गाइस उस वैन ने इसको दोबारा ठोक दिया, ये हाँ। तो एविल नन कैसा मजा आ रहा है ना अभी? हाँ बुड्ढी कहेंगी गाइस एविल नन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी ना, तो ये तो चित हो चुकी है, और मुझे लग रहा है अभी ये दोबारा नहीं उठेगी, उठ के दिखाना। ओ भाई गाइस तो बहुत खतरनाक लग रही है अभी यार गाइस, लेकिन एक सेकेंड गाइस मैं इसको हथौड़ा ले सकता हूँ क्या? लेकिन यार सबसे पहले मैं हथौड़ा नहीं लेता, मैं चेक करता हूँ इधर से स्किप होने के लिए। यार मैं स्किप कैसे होऊंगा? इधर एक चाबी रखी है, ये चाबी मेरे क्या काम आएगी? शायद ये लॉक खोल सकता है, बट यहाँ पर येलो की लगेगी, और गाइस येलो की तो मेरे पास है। फटाफट से गाइस मैं येलो की उठाने चलता हूँ, और यार बस ये एविल नन ना उठ जाए, और इसका हथौड़ा ना गाइस मैं लेकर देखता हूँ एक मिनट यार। लेकिन अभी मैं फटाफट से की उठाता हूँ, और जल्दी से गाइस मैं उस की को ना वहाँ पर लेकर चलता हूँ। फाइनली गाइस मुझे ये की यहाँ पर लगानी है, और यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? पेंट गाइस, मैं इस पेंट का क्या करूँगा? ओ वेट गाइस मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। और यार वो एविल नन जाग चुकी है,
और वो पता नहीं भी कहाँ पर होगी यार। मुझे वेट करना होगा जब तक वो वैन आती है ना, इतना मुझे कहीं तो रुकना होगा यार। लेकिन मैं कहाँ पर रुकूँ? ओ भाई यार, लेकिन गाइस वैन आ चुकी है और यार बस वो विलन अभी ना आए और मैं इधर से निकल जाऊँ। गाइस मुझे लग रहा है मुझे कुछ तो करना होगा। वेट यार भाई, ये तो गाइस पता नहीं क्या क्या कर रही है। गाइस मैं भी यार भाई ये क्या कर रही है यार? भाई जा रही है क्या? ओ वेट भाई, एक मिनट रुक जाओ। ओ भाई गाइज यार, मतलब कि भाई ये क्या हो गया? गाइज मैं इधर क्या करूं भाई, मैं क्या 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 ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइज उस वैन वाले की ओर इतनी जल्दी दिख गया, बट यार पता नहीं वो इधर क्या करती है यार। मुझे भी वेट करना होगा यार, कहीं वो विलन आके मुझे मार ना डाले। गाइज मैं इधर वेट करता हूँ और मुझे लग रहा है गाइज वो जल्दी आती होगी यार। मैं भी पता नहीं क्या होगा, मैं इधर ही रहूँ। ओ भाई गाइज ये तो वैन लेकर भी आ चुकी है, अभी मैं क्या करूँ? गाइज मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, आखिर ये क्या क्या करती है इधर? गाइज ये पता नहीं कुछ रखती है और कुछ उतारती है, पता नहीं क्या करती है। ओ भाई वेट यार, अभी देखता हूँ मैं गाइज ये कहाँ पर गई होगी, कहीं ये एविलन को तो बुलाने। ओ भाई गाइज ये सो रही है। और भाई गाइज वैन में जो बक्सा रखा था ना गाइज, हमको इसमें बैठना था और फाइनली यार ये तो फिर से उठ गई। गाइज कहीं है मुझे दोबारा से ना पकड़ ले गाइज, और अगर एविलन आ गई ना तो वो तो मुझे बाल पकड़ के फेंक के मार डालेगी। ओ नहीं नहीं भाई, ओ भाई साहब इसने मुझे नहीं देखा। ओरे भाई गाइस यार ऑलरेडी गाइस हम यहाँ से स्किप हो चुके हैं और बस अभी कोई पंगा ना हो। फाइनली मुझे लग रहा है भाई जल्दी से वैन स्टार्ट होने वाली है और भाई फाइनली गाइस हम यहाँ से स्किप हो चुके हैं, बट यार हमने अभी कुछ नहीं किया। गाइस मिलता हूँ इस एविलन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा एंड बाय बाय।